Hello everyone, in this video I am going to explain you chapter 1 from NCERT book for class 6. The topic is what, where, how and when. So let's start. Rashida's question. Rashida, a girl hai yahan par. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा का एक सवाल है. रशीदा अखबार पढ़ती है, पढ़ने बैठती है, अचानक उसकी नज़र एक छोटे से टाइटल पर पड़ती है. वो जिस टाइटल जो टाइटल है वो है 100 years ago. वह सोचती है कि किस तरह कोई जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था. फाइंडिंग आउट what happened yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. हम जान सकते हैं, कल का पता लगा सकते हैं रेडियो सुनकर, टीवी देखकर, न्यूज़पेपर पढ़कर. पिछले साल का पूछिए तो किसे याद होगा, लेकिन बहुत साल पहले, लॉन्ग एगो. बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. चलिए देखते हैं इसको हम कैसे पता लगाते हैं. वॉट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि वॉट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वॉर, वो कैसे कपड़े पहनते थे, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, वो कैसे घरों में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर्स, हम हंटर्स के बारे में, हर्डर्स, हर्डर्स मीन्स चरवाहे, फार्मर्स, किसान, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, वो बच्चे क्या गेम खेलते थे, द स्टोरीज दे हियर्ड, वो कौन सी कहानियाँ सुनते थे, द प्लेस दे सॉ, वो क्या देखते थे, द सॉन्ग्स दे सैंग, इनके बारे में वो क्या गाना गाते थे, इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं. वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप. वन पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स, यानी कि सालों और हजारों साल पहले लोग नर्मदा रिवर के पास बसे थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, जो कुछ लोग थे वहाँ पर वो कुशल एकत्रित करता थे. गैदरर्स मीन्स एकत्रित करता. अब गैदरर्स करते क्या थे, वो क्या इकट्ठा करते थे, तो दैट इज़ पीपल हु गैदरड देयर फूड, वो अपने खाना इकट्ठा करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, वो उनको बहुत अच्छी जानकारी थी वहाँ के प्लांट्स की, और प्लांट्स से वो क्या लेते थे खाने के लिए, रूट यानी कि जड़ खाते थे, फल खाते थे, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो क्या थे, वो जानवरों का शिकार भी करते थे. नेक्स्ट इज़ नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. अब हम अगर सर्च करें सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स, तो कहाँ है सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स, लुक हेयर, ये है आपके कीर्थर हिल्स और ये है सुलेमान हिल्स. हम इनको क्यों देख रहे हैं. सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले, यानी कि गेहूं और जौ का यहां सबसे पहले अबाउट 8000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर, यहां पे जो मैन वुमेन रह रहे थे करीब 8000 साल पहले यहां पर उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया था. कहां पर, ये कीर्थर हिल्स और सुलेमान हिल्स, यहां पर क्लियर. आफ्टर दैट उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे कि शीप, गोट एंड कैटल, एंड लिव्ड इन विलेज, और गांवों में रहना शुरू किया. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. अब गारो हिल्स और विंध्यास हिल्स कहाँ पर हैं, तो इसके लिए हम ईस्ट की तरफ आएंगे. ये यहाँ पर गारो हिल्स है और विंध्यास ये इन द मिडल, वी कैन से दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ अलग एरिया थे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुई. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ये वो जगह है विंध्यास के नॉर्थ में जहाँ पर सबसे पहले चावल उगा. ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अगर हम रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज मीन्स उसकी सहायक नदियाँ इनके बारे में देखें, तो अबाउट 4007 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स, करीब 4700 साल पहले कुछ शहर यहाँ पर बनाए गए. लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, 2500 साल पहले गंगा के आसपास के किनारे शहर बसे, इससे पहले 4700 ईयर्स एगो इंडस रिवर के पास, और सी कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे शहरों का विकास हुआ. अब
आपको मैप में दिखाएं कि इंडस और गंगा है कहाँ पर, लुक एट दिस। तो ये है यहाँ पर इंडस रिवर है ये, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज में सहायक नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बीस, ये इसकी सहायक नदी है। दूसरी है गंगा, गंगा जो कि निकली है हिमालय से, यहाँ से, ये देखिए यहाँ ये गंगा रिवर निकली है हिमालय से, और ये बाकी जो जितनी भी रिवर हैं ये जाकर गंगा रिवर हिमालय से निकलकर पहुंच गई है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसके बीच में काफ़ी सारी नदियाँ इनसे मिलती हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बसे, कब बसे, यहाँ पर 4700 ईयर्स एगो इंडस रिवर के पास और गंगा रिवर के पास 2500 साल पहले कुछ शहर बने और लोग यहाँ पर सेटल हुए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।